दुनिया में कोरोना का खौफ अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस बीच मध्य प्रदेश में एक और रहस्यमय बीमारी फैल गई है। इस खौफनाक बीमारी से दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इससे संक्रमित होकर अस्पतालों में भर्ती है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में यह अज्ञात बीमारी फैली है। यहाँ के खेड़ा माधोपुर गांव में फैले रहस्यमय वायरस से कई लोग संक्रमित हो गए हैं। विशेषज्ञ अभी तक इस वायरस का पता नहीं लगा सके हैं। इस अज्ञात बीमारी से गांव की दो युवतियों की मौत हो चुकी है, जबकि यहाँ के 70 से ज्यादा ग्रामीण देवास जिला अस्पताल और आसपास के अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं। अज्ञात बीमारी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर सैंपल कलेक्ट कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मामला प्रथम दृष्टया डेंगू का बताया जा रहा है। लार्वा के लक्षण मिले हैं। लोगों को स्वच्छता की समझाइश दी जा रही है। मुख्य रूप से हम लोगों को मध्य प्रदेश शासन ने हमारे डीन साहब प्रोफेसर डॉक्टर संजय दीक्षित सर को फ़ोन किया था कि देवास ज़िले में ये खेड़ा गाँव में जो है समस्या काफ़ी है और डेंगू या टाइफाइड या फिर साथ साथ में हेपेटाइटिस बी की समस्या यहाँ पे हो सकती है। डेथ का कारण जो है मुख्य रूप से डेंगू ही है या डेंगू लाइक सिंड्रोम है, क्योंकि उसका एक कॉरोबरेटिव एविडेंस हम लोगों को यहाँ मिला कि यहाँ पे मच्छर भी काफ़ी है, क्योंकि ये जो भरा हुआ पानी है ना, ये भरा हुआ पानी में एडिस मच्छर पनपते हैं, जिनको हम लोग टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, कि टाइगर मॉस्किटो डेंगू का कॉजेशन करवाते हैं। और डेंगू यदि ये पीरियोडिकली ये पानी बदलते रहे, सप्ताह में एक बार पूरा अच्छी तरीके से धो लें और फ्रेश वाटर हमेशा रखें, उसके ऊपर ढक्कन रखें, तो ये बीमारी से बचाव हो सकता है। अभी हम लोग आज टोंकखुर तहसील के खेड़ा माधोपुर गांव में आए हैं, जहां पे कुछ फीवर और इसकी सूचना मिली थी बुखार की। अभी हमने सब सर्वे वगैरह करा है। 136 मरीजों की हमने यहाँ पर OPD में जाँच करी है। यहीं पर OPD गाँव में लगाई थी, इसमें हमारे दो डॉक्टर, डॉक्टर प्रतीक तिवारी और डॉक्टर नागर, यहाँ पे उन्होंने सेवाएं दी हैं। 4, 5, 6, 7 चार दिन से हम लोग कुछ सभी इस गांव में सर्वे भी कर रहे हैं, फीवर सर्वे भी करा है हमने, और उसमें हमारे 22 स्लाइड्स हमने बनवाई हैं, 22 लोगों के फीवर था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।